हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मशीन एंड लेवर्स। इसके बाद हम फिर टॉपिक कवर करेंगे पुली एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो लेवर पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके पहले वाले वीडियो में कर रखा है। जिसने वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो पहले वो वीडियो आप देख लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा इस पार्ट का न्यूमेरिकल। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन विथ मैकेनिकल एडवांटेज 5 इज 80%। तो यहां पे देखो क्या कर रहा है भाई, कि जो मशीन की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 80% हमें दे रखा है एंड मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, राइट। तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको जरा यहां पे आप पहले लिखो। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी हमें कितना दे रखा है, 80% हमें गिवन है। तो अगर हम इसकी इफिशियंसी अगर निकालते हैं तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 0.8। अब इस 0.8 से क्या पता चलता है कि ये आइडियल मशीन नहीं है, राइट। देन हमें मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट इन अ लिफ्टिंग अ लोड यूजिंग द मशीन इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की बात कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को हम DE से और डिनोट करते हैं। कह रहा है कि ये भाई कितना हमारे पास है, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड, यानी कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो DL कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप देखो, मैंने आपको एक रिलेशन मैंने बताया था कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज में यहां पे गिवन है 5, इफिशियंसी हमें कितना दे रखा है, 0.8, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, राइट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कैलकुलेट करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर अपॉन ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पे, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो देखो 5 × 5 4 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 8 × 4 = 32 एंड 1 डिजिट पे क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो ये कितना आ जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये रिलेशन हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिगर शोज अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 kg। यानी कि ये जो व्हील बैरो है इसका मास कितना है, 15 kg है, राइट। कह रहा है अ लोड ऑफ 30 kg ऑफ विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए एट ग्रेविटी एट ए। यानी कि जो 15 kg का जो हमारा व्हील बैरो है इसके अंदर 30 kg का मास कैरी किया गया, 30 kg का मास क्या किया गया है, लोड कैरी किया, राइट। पॉइंट बी एंड सी आर द सेंटर ऑफ व्हील एंड द टिप ऑफ द हैंडल। यानी कि ये जो पॉइंट बी है इस व्हील का क्या है, सेंटर है, एंड ये जो पॉइंट सी है वो इस हैंडल का है, टिप है। कह रहा है कि सच दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एबी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड एसी 40 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, लोड आर, एफर्ट आर, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफर्ट, राइट। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हील हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये व्हील हमारा क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा, ये व्हील हमारा क्या रहेगा, फलक्रम रहेगा, राइट। यहां पे हमारा लोड कह रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोड बोल सकते हैं, एंड यहां से हम इसको धकेलने का काम करेंगे। तो यहां पे हम क्या लगा रहे हैं बच्चा, एफर्ट लगा रहे हैं, यहां पे हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। तो आप देखो यहां पे पहला हमसे क्या कह रहा है, लोड आर्म आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, आपको
लोड आर्म कैलकुलेट करना है। तो लोड आर्म क्या होता है, आपने सेकंड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था भाई, सेकंड चैप्टर आपने क्या पढ़ा था कि जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके जिस पॉइंट पे हम लोड फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा वो होता है। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा फोर्स मींस लोड का काइंड ऑफ फोर्स, तो लोड हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें यहां पे, एंड ये हमारा फल्क्रम है, तो ये फल्क्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस है यानी कि फोर्स जहां पे अप्लाई हो रहा है वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, लोड आर्म बोलेंगे। तो लोड आर्म हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकंड अगर हम बात करें एफर्ट आर्म की, तो एफर्ट आर्म भी क्या होगा, एफर्ट इज ऑल्सो अ फोर्स, एफर्ट इज ऑल्सो अ फोर्स, तो एफर्ट हमारा यहां पे अप्लाई हो रहा होगा जेंटली, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके इस फोर्स तक का जो डिस्टेंस हमारा होगा जहां पे अप्लाई कर रहा है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। तो एफर्ट आर्म कितना होगा 20 ये है, एंड देन 40 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, राइट। थर्ड जरा आप देखो, थर्ड क्या कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था, जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे बच्चा की एफर्ट आर्म अपॉन कितना होता है लोड आर्म होता है, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू कितना अपॉन कितना होता है लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म हमें कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना हो जाएगा 3, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला कैसे आया था, कैसे मैंने डिराइव कराया था ये फॉर्मूला, वो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। देन यहां पे फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, एफर्ट कैलकुलेट करना है। तो आप देखो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया, और एक और फॉर्म आपने पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट तो आपको कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया, बट अगर हम लोड की यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे लोड की बात करें बच्चा, तो लोड देखो कि 15 केजी का तो ये आपका व्हील बैरो है, एंड देन 30 केजी का उसने लोड कैरी कर रखा है, तो जो टोटल जो लोड हो जाएगा हमारा, जो टोटल जो हमारा लोड हो जाएगा 15 केजी का व्हील बैरो प्लस 30 केजी का लोड कैरी कर रखा, तो टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा 45 केजी हो जाएगा, राइट। अब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड हमारा कितना आ गया 45, एफर्ट कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है हमारे पास 3, कितना है 3, तो एफर्ट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 3, 15 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफर्ट हमारा कितना आ गया 15 केजी, एफर्ट हमारा कितना आ गया 15 केजी, राइट। जल्दी इसको नोट डाउन करो, देने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एफर्ट ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो पहले तो यहां पे हमें क्या चीज गिवन है, क्या चीज हमें गिवन है, कह रहा है कि जो एफर्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है 500 न्यूटन, राइट, एंड कह रहा है कितने डिस्टेंस से, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो 0.5 मीटर। कह रहा ऑन अ मशीन हूज इफिशियंसी इज 90%, तो इफिशियंसी परसेंटेज कितना हमें दे रखा है 90%, तो अगर हम इफिशियंसी इसका निकालें तो कितना हो जाएगा 0.9। कह रहा सच दैट द रेजिस्टेंस इज ओवरकम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.4। तो यहां देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो उसका रेजिस्ट, उसको रेजिस्ट कौन करेगा, उसका अपोज कौन करेगा, लोड करेगा। तो यानी कि हमें जो रेजिस्टेंस ओवरकम थ्रू अ डिस्टेंस 0.4 मीटर दे रखा है, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दे रखा है 0.04 मीटर, राइट। कैलकुलेट करना आपको पहला वी आर मीन वेलोसिटी रेशियो, देन मैकेनिकल एडवांटेज, एंड थर्ड आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन। तो यहां पे रेजिस्टेंस हमारा क्या है, लोड है।
यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा क्या है, लोड है, राइट, यानी कि हमें लोड कैलकुलेट करना है। तो आप देखो कि सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। एफर्ट हमें कितना दे रखा है 0.5 मीटर एंड हमें लोड कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड 0.04 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारे पास आएगा, आप यहां पे देखो सॉल्व करके, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.04। अगर हम यहाँ पे डेसिमल अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50 एंड नीचे हमारा क्या बचेगा 4। तो जरा यहाँ पे आप डिवाइड करो 50 को 4 से, तो 4 1 4, यहां पे 0 आ जाएगा, देन 4 2 8, 2 बचा डेसिमल 0.45 20, यानी कि हमारा जो वेलोसिटी रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 12.5। वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 12.5, ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर, राइट, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे रहा है कैलकुलेट करने के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज, हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला बच्चा, मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज का आपने एक रिलेशन क्या पढ़ा है, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, राइट। तो आप देखो यहाँ पे कि इफिशियंसी आपको कितना दे रखा है 0.9 एंड वेलोसिटी रेशियो कितना कैलकुलेट होकर आया है 12.5। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अप्रोक्स देखो कितना आएगा, ये अप्रोक्स आएगा 11.25, ये अप्रोक्स में कितना में जाएगा 11.25। इसके अलावा भी आप निकाल सकते हैं यहां पे, इसके अलावा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के थ्रू, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्या हमें कैलकुलेट करना है, लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कितना होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास कितना है 11.25 इज इक्वल टू लोड कैलकुलेट करना है। एफर्ट हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 500 न्यूटन। तो आप देखो कि अगर हमें लोड कैलकुलेट करना है तो ये अभी इधर डिवाइड में इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 500 × 11.25। तो लोड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स हमारा कितना आ जाएगा 500, ये अप्रोक्स हमारा कितना आ जाएगा 5625 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा 5625 न्यूटन, राइट। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पुली एंड टाइप ऑफ पुली एंड देन हम सॉल्व करेंगे उसके न्यूमेरिकल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।